हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हम लोग गए थे घूमने के लिए लाल किला, जामा मस्जिद और शॉपिंग वगैरह किया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और उनके एक दो दोस्त हैं, उनके भाई थे। तो हम लोग जा रहे थे लाल किला और चांदनी चौक भी वहीं पर है, तो हम लोग शॉपिंग वगैरह भी वहाँ से कुछ करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो हम लोगों को दो बार मेट्रो चेंज करना पड़ता है, तो हम जा रहे हैं, टिकट हो चुका है, मेट्रो ट्रेन आ चुकी है हमारी और हम लोग इस पर बैठ जाते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 51 और यहाँ पर भी हम लोग टिकट लेंगे। टिकट लेने में टाइम लग जाता है, अरे बाबू लाइन लगी होती है, टाइम लगता है। यहाँ पर उनके दोस्त लोग जो हैं, उनके भाई लोग बापू को खिला रहे हैं। अब हम लोग दूसरे मेट्रो ट्रेन पर बैठ चुके हैं, बाबू जो है अपन के साथ मस्ती कर रहा था, उनके दोस्त बगल में खड़े हुए हैं, वो भी बाबू को बहुत अच्छे से खिलाते हैं, वो भी उनके पास भी बाबू बहुत रहता है। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं चांदनी चौक, और मुझे मेरे बेटे को भूख लग गई थी कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने दोस्त के पास ही खा ली थी दाल चावल सब्जी, उन्होंने बनाया था तो वहीं पे खा लेते हैं। तो आगे जब पहुँचते हैं लाल किला के सामने ही लगा होता है, वहाँ पे टिकिया शॉट वगैरह लगा रहता है, तो वहीं पर हम खाते हैं टिकिया। तो लाल किला सामने ही दिख रहा है, हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये देखिए कुछ लोग गा बजा रहे हैं, मजाक आ रहा है थोड़ा मुझे। इतना दूर आगे भी वाला नहीं आता, 11 बजे है तो नहीं वाला बैठ रहे अब यहाँ आने के लिए ना कुछ चेंज करना पड़ता है। और हम लोग यहाँ से अंदर घुसते हैं और साइड में ही चाट का दुकान रहता है, तो वहाँ से टिकिया खा लेते हैं। देखिए खा रहे हैं, छोटे से मुझे भूख लगाती है। और अब हम लोग यहाँ पे भी सर्कल स्टार्ट करते हैं, ये देखिए काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। तो हम लोग लाल किला के बाहर ही हैं और अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि लंबी लाइन लगी होती है, काफ़ी भीड़ होता है और हम लोग लेट हो जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर लाइन में लगती तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करना था, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जाते, बाहर ही घूम लेते हैं। और साइड में मेला भी लगा होता है, झूले वगैरह। तो ये देखिए इधर मेला भी लगा होता है, जहाँ पर ढेर सारे झूले वगैरह लगे होते हैं। तो अभी लोग हम लोग वहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले हम लोग यहीं पे घूमते हैं, और बाबू को कुछ खिलाना खिलाना होता है तो उसे भी खिला देते हैं। आगे वीडियो में आप देखेंगे। अब हम लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे, और देखिए मेरे मेरा फिर से गलत पीछे कुछ टाइम के लिए मैंने निकाल भी दिया था, फिर से वो भेजने लगा। यहाँ पे हम खिलाते हैं इसे साबुदाना, फिर ये बना कर ले जाते हैं। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? साबुदाना खा रहे हैं। भगवान क्या खा रहे हो बेटा? साबुदाना खा रहे हो? वाह उसका झूला उसके पापा
ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है लाल किला के अंदर एंट्री करने के लिए, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप मुझे ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं मेले में, जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग मेले में। नहीं रहने दीजिए, यहाँ पर कौन खाएगा। मुझे बहुत पसंद है। हम लोग के शायद में शोर कैंडी भी बोला जाता है, बुड्ढी के बाल भी बोलते हैं उसे। ये देखिए झूला, बहुत सारे झूले लगा होता है वहाँ पे। मैं तो झूला नहीं झूलती क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं, इसलिए कभी नहीं झूलती। यहाँ पर छोटे छोटे शॉप भी होते हैं, वहाँ से कुछ ऐसे लगा होता है। और अब हम वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम पहुँचते हैं तिब्बत मार्केट, जहाँ पर स्वेटर जैकेट वगैरह लगे होते हैं, उनके दोस्त लोग वहाँ से लेते हैं। ओह अच्छा, हाँ इसमें और अब हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद, और इसके बाहर जहाँ से मैंने कैमरे को लेना स्टार्ट किया है, इसके पहले ही बहुत सारे शॉप्स लगे होते हैं और काफ़ी भीड़ होता है, इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं ले पाती, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। ये देखिए थोड़ा आगे जाकर लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा जो खाली जगह मिलता है तो हम वहाँ पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए काफ़ी भीड़ होता है वहाँ पर, शॉप भी लगी जाती है, तो वहाँ से कुछ लेते हैं चीज़ों को मैं एंड में आपको दिखाऊँगी। ये देखिए अब हम लोग जामा मस्जिद के अंदर एंट्री कर चुके हैं, लेते हैं वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पर बने होते हैं हाथ पैर धोने के लिए, टी वगैरह लगे होते हैं लाइन से। यहाँ पर भी हम लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। अब हम लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पे कुछ नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ये देखिए ऊपर झूमर था, बड़ा सा झूमर है, और यहाँ पर हम लोग सेल्फी वगैरह लेकर दूसरे साइड से बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर भी बाबू को साबूदाना खिला रहे हैं, वो वहाँ पे थोड़ा ही खाया था इसलिए उसका पेट भी नहीं भरा था और रो रहा था वो, तो उसको भूख से रो रहा था वो, तो हमने यहाँ खिलाया उसको। और उसके बाद हम निकलते हैं, एडवांस निकलने के बाद हम फिर से मार्केट जाते हैं, यहाँ से बेड सीट लेते हैं। और अब घर रिटर्न करने के लिए हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। हम लोग स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का वेट करते हैं और हमारी ट्रेन जब आ जाती है बैठ कर अपने घर वापस आ जाते हैं। ये दो बेड शीट मैंने लिया था, एक तो मैंने बिछाया हुआ है ब्लू कलर का जो है, ये मुझे 250 में मिला, दोनों 500 में था। और ये स्वेटर मैंने जामा मस्जिद के बाहर से लिया, जिसका रेंज बोला था 650, पर ये मुझे 500 में मिल गया था वहाँ से। अच्छा है, गर्म करता है। और ये स्टॉल मैंने वहाँ से लिया था जो कि वेलवेट का है, अंकल ने 100 रुपये बोला था इसका, मैंने 80 देखी इसे ले लिया, 80 रुपये देखी, जो कि अच्छा है। और ये पर्स मैंने लिया था, ये 200 रुपये में मुझे मिल गया था गाइज, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, और ये बहुत अच्छा है 200 रुपये में। ये भी मैंने जामा मस्जिद के बाहर जो शॉप लगा था वहाँ से मैंने लिया था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे 200 में ये पर्स मिल गया। और ये मैंने प्यारा सा झुमका लिया था, ये मुझे 40 रुपये में मिला था। और ये कंगन मैंने जामा मस्जिद के बाहर से 140 रुपये में लिया था, और ये 20 रुपीज़ का सेल शॉप से मैंने लिया था जो कि 20 रुपीज़ में था, और ये भी मैंने 20 रुपीज़ में लिया, और ये भी मैंने 20 रुपीज़ में लिया था।
और ये भी 20 रुपीज़ का ही था, डबल था। फाइनली हम घर वापस आ चुके हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा गला फट गया है थोड़ा, ये देखिएगा रेडी कर खेल रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।